साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले सभी साथी ये बतलाइए, आवाज़ वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है? अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है तो एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल GS Online को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम। नजरुल इस्लाम मुफीद कटियार MD कुर्बान और शब्बो बानो जुबैदा परवीन जी, आरबा परवीन, सैयद जावेद, ओके चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उज्मा सिद्दीकी अमराह जी, ओके चलिए जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है UGC नेट का जो पेपर है वो 6 अक्टूबर से होने वाला था, अब ये जो है कैंसिल हो चुका है। अब आपका जो अगला डेट है वो साथियों 17 अक्टूबर से चालू होगा, 17 से 25 के दरमियान। अब आपको टाइम मिल चुका है बहुत सारा, इस बीच में आप तैयारी अच्छी से अच्छी कर सकते हैं, और साथियों जो टॉपिक आपका कमजोर है उस पर भी आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट है, एक MCQ बेस्ड टेस्ट है, देखते हैं इसमें कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। क्वेश्चन बिल्कुल सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये बहुत जल्दी आपको सॉल्व होने वाले नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए और देखिए कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा। मंदरजा जैल में, मंदरजा जैल अज्जाए तरकीबी में सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्या होगा? मदह, मुद्दा, गुरेज, तशबीब, और उसके बाद है दुआ। तशबीब, मदह, गुरेज, मुद्दा, दुआ, तशबीब, गुरेज, मदह, मुद्दा, दुआ, और फिर उसके बाद पांचवा में है आपका तशबीब, गुरेज और मदह, दुआ, मुद्दा। चलिए क्या होगा साथियों, आपको पता है ये सारे जो अरकान हैं वो कसीदा के अरकान है। किसके अरकान है? कसीदा के अरकान है। आपको ये भी पता है कि कसीदा के टोटल 5 अरकान होते हैं। कितने अरकान होते हैं साथियों? 5 अरकान होते हैं, लेकिन इसमें आपको वो नहीं बतलाया गया। आपको 5 अरकान अगर आपको तरतीब वार याद नहीं है तो फिर आप नहीं बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तरतीब वार कैसे होगा साथियों? तो सबसे पहले आपको पता है कि कसीदा का जो सबसे पहला हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे हम लोग कहते हैं तशबीब। क्या कहते हैं? तशबीब। मान लीजिए आपको पूरा याद नहीं है, तो जब हमको ये पता है तशबीब कहते हैं तो हमारा ये वाला छंट जाएगा। ये वाला क्या होगा? अलिफ वाला छंट जाएगा। उसके बाद हमें ये पता है कि तशबीब के बाद होता है गुरेज, जो दूसरा पार्ट है। उसके बाद तीसरे नंबर में होता है साथियों मदह, जो कि कसीदा का मेन हिस्सा है। और चौथे नंबर में पता है क्या होता है? जिसे के मुद्दा कहते हैं। मुद्दा को ही साथियों क्या कहते हैं? आप हुस्ने तलब कहते हैं। क्या कहते हैं? हुस्ने तलब कहते हैं। और जो पांचवा अरकान है वो आपका दुआ है। मान लीजिए ये पांचों आपको याद नहीं हो, तब किस तरह आप हल कीजिएगा? इसको आप इस तरह हल कर सकते हैं कि पहला हिस्सा तशबीब है और लास्ट वाला हिस्सा दुआ है। पहला हिस्सा क्या है? तशबीब है। लास्ट वाला हिस्सा क्या है? दुआ है। जब आपको ये याद हो जाएगा ना कि पहला तशबीब है, लास्ट दुआ है, बस ये दो चीज आपको याद रहेगा। तो देखिए इसमें पहला तशबीब, लास्ट में दुआ है, ठीक है, इसको रहने देंगे। यहां पर देख रहे हैं पहला तशबीब, लास्ट में दुआ है। यहां पे देख रहे हैं पहला तशबीब, यहां पे मुद्दा है, तो हमारा डी वाला भी कट जाएगा। ए भी हमने काट दिया, डी भी हमने काट दिया, अब बी और सी में ये करेंगे। तो हमें एक चीज और याद रखना है कि तशबीब के बाद गुरेज होता है, जबकि बी वाला में तशबीब के बाद मदह दिया हुआ है, इसलिए बी वाला भी हमारा कट जाएगा। तो बच जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का, ठीक है। चलिए देखिए, पहले तो हम कुछ आपको थ्योरी बताएंगे, इस बेस पर आपका हल करना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है,
क्वेश्चन नंबर टू कहा गया, कसीदा किस जबान का लफ्ज है और किस लफ्ज से निकला है। एक तो ये बताना भाई, सीटेट का जो क्लास है वो 7 बजे होता है, ठीक है। अब अभी सीटेट कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, 7 बजे उसका क्लास होता है। कसीदा किस जबान का लफ्ज है और किस लफ्ज से निकला है। फारसी का साथियों नहीं, कसीदा जो है अरबी का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फारसी का है नहीं है, अरबी का है ठीक है। लेकिन याद रखिए, कसीदा जो है वो कसदन मसदर से निकला, जिसके माने होते हैं इरादा की, जिसके माने क्या होते हैं इरादा की या मग्ज के माने आते हैं। तो ये वाला जो है ना आपका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि कसायद जो है ये तो कसीदा की जमा है, तो हमारा 2 नंबर का जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्लियर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेंगे सही सही तो फिर समझा जाएगा। मंदरिजा जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए, यानी कि आपको इसको पढ़ना है और जो सही है उसको आपको चुनना है। 1 नंबर में देखिए, आप असल में इसका आंसर यहां पर है, ठीक है, ये वाला आंसर है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे अभी। हम क्या करेंगे साथियों, जी ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है इसको हम लोग नहीं देखेंगे, बल्कि पहले वाला को पहले हम जो गलत होगा उसको कट कर देंगे और जो सही होगा उसको हम लोग टिक लगा देंगे। कसीदे के लिए तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज जरूरी नहीं है, 1 नंबर में ये कहा गया। उसके बाद अब हम इसको गौर करेंगे कि ये चीज जरूरी है कि या नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथियों फिर हमसे कहा गया, बी में कहा गया, कसीदे में मुतअद्दद मतले यके बाद बिगड़े हो सकते हैं। सी में कहा गया, कसीदे में ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद 21 है और कम की कोई हद नहीं है। और डी में कहा गया, कसीदे में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहां चाहे वहां कर सकता है। जी बताइए क्या होगा। देखिए इसका जो साथियों आप थोड़ा सा गौर करें, क्वेश्चन आप थोड़ा सा गौर कीजिए, कसीदे के लिए तखय्युल की बुलंदी और शौकत अल्फाज जरूरी नहीं है, ये बल्कि जरूरी नहीं बल्कि जरूरी है। तो ऑप्शन ए वाला जो है हमारा वो गलत है, इसलिए ये हमारा सही नहीं हो सकता। कसीदे में मुतअद्दद मतले यके बाद दिगरे हो सकते हैं, देखिए मुतअद्दद मतले तो होगा लेकिन यके बाद दिगरे नहीं हो सकता, ठीक है जी। कई मतला तो हो सकता है लेकिन यके बाद दिगरे नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। अब उसके बाद चाहे कसीदे में ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद 21 है, कम की कोई हद नहीं। ये साथियों ज्यादा से ज्यादा अशार की तादाद 21 ये गलत बात है, कितनी भी अशार हो सकते हैं। सी वाला भी हमारा गलत है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। डी में कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहां चाहे वहां कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है कि जहां चाहे मक्ता का इस्तेमाल वहां कर सकता है साथियों। तो अब देखिए जब हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है तो हम चलेंगे अलिफ में, तो ए बी सी डी ये तो हो नहीं सकता, यहां पे देख रहे हैं ए बी डी ये भी हो नहीं सकता, तो हमारा सिर्फ जो है जीम वाला यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में डी ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर साथियों क्या होगा, सी राइट हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर में है, कसीदे की कितनी किस्में हैं, कसीदे की कितनी किस्में हैं, 4 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों, कसीदे की कितनी किस्में हैं। जी देखिए अगर मैं बात करूं साथियों तो कसीदे की जो है ना 5 किस्में नहीं, देखिए कसीदा के 5 अरकान है भाई, अरकान और किस्म में दोनों में फर्क होता है। कसीदा जो होता है ना उसके 2 किस्में होती है, एक कसीदा जो होता है वो खिताबिया कसीदा होता है और दूसरा कसीदा जो होता है वो तमहीदिया होता है। क्या होता है साथियों, तमहीदिया होता है। तो कसीदा के कितने अरकान है,
साथियों ये दो कसीदा की दो किस्में हैं, तो हमारा चार का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच में है आपका, मुंदरिजा जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की निशानदेही कीजिए, यानी जो गलत है उसको आपको निकालना है। जी क्या कह रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, कसीदे के सबसे अहम जुज को मदह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में, जिस कसीदे में शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हिज्व शुरू कर देता है उसे तमहीदिया कसीदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में है, तशबीब से वो अशार मुराद होते हैं जो कसीदे की इब्तिदा में बतौर तमहीद लिखे जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में है, जिस कसीदे में शायर मदह या हिज्व से पहले तमहीद बांधता है उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। ये क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद साथियों हमें इस क्वेश्चन को देखना है। सबसे पहले देखिए क्या कहा जा रहा, जिस कसीदे में शायर तमहीद बांधे बगैर मदह या हिज्व शुरू करता है उसे तमहीदिया खिताब कसीदा नहीं कहते, बल्कि तमहीदिया के लिए तो जरूरी है कि उसमें साथियों पहले क्या हो, तमहीद हो। इसमें तमहीद बांधे बगैर किया गया तो इसको तमहीदिया नहीं कहते। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए वाला है वो बी वाला जो है वो गलत है। कसीदे के सबसे अहम जुज को मदह कहते हैं, ये बिल्कुल राइट है, ये बात सही है। ये क्या है, सही है साथियों, ए वाला हमारा सही है, यहां पर ए लिख देंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में चलेंगे हम लोग, तो सी में हमें हमसे कहा क्या जा रहा है, तशबीब से वो अशार मुराद होते हैं जो कसीदे के इब्तदा में बतौर तमहीद लिखे जाते हैं, तो सी वाला भी हमारा राइट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथियों हम लोग चलेंगे डी में चलेंगे, जिस कसीदे में शायर मदह या हिज्व से पहले तमहीद बांधता है उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। नहीं, उसे खिताबिया कसीदा नहीं कहते हैं। जब साथियों जिस कसीदे में शायर मदह या हिज्व से पहले तमहीद बांधेगा उसे हम लोग कहेंगे तमहीदिया कसीदा, और यहां पे खिताबिया कहा गया, तो डी वाला हमारा गलत है। तो देखिए हमें कहा गया था गलत बयान को चुनना है, तो गलत कौन कौन सा है, तो गलत हमारा बी है और गलत हमारा क्या है, डी है। तो हमारा क्या निकला साथियों, हमारा निचोड़ ये निकला कि बी और डी ये जिस वाले ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए में देख रहे हैं ए और बी है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देख रहे हैं बी ए बी सी डी है, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी में देख रहे हैं बी और डी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई क्वेश्चन नंबर फाइव का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों सिक्स में है, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा, ये उर्दू का पहला कसीदा गो किसे शुमार किया जाता है। जी चलिए बताइए सभी लोग क्या होगा राइट आंसर, उर्दू का पहला कसीदा गो किसे शुमार किया जाता है, उर्दू का पहला कसीदा गो किसे शुमार किया जाता है। जी क्या होगा राइट आंसर, उर्दू का पहला कसीदा गो किसे शुमार किया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए उर्दू का जो पहला कसीदा गो है वो कुली कुतुब शाह को, किसको साथियों, कुली कुतुब शाह को, इसलिए हमारा जो है छह का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है सात नंबर में, उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर किसे करार दिया जाता है। देखिए जब बाकायदा लग जाए तब साथियों इसमें नाम आ जाएगा सौदा का, किनका नाम आ जाएगा, सौदा का नाम आ जाएगा, किनका नाम आ जाएगा साथियों, सौदा का नाम आ जाएगा। क्लियर, तो आपका सात का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवें नंबर में है, मुंदरिजा जेल में सबसे ज्यादा कसीदा लिखने वाला शायर कौन है, सबसे ज्यादा कसीदा लिखने वाला शायर कौन है। जी आठ नंबर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कसीदा लिखने वाला शायर कौन है। अब देखिए सौदा है, मुसहफी है, जौक है, नुसरती है, तो पहले तो हमको सबका पता होना चाहिए किसने कितना कसीदा लिखा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा,
अगर मैं बात करूं जी इसमें जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन में जो है, अगर मैं बात करूं सौदा के बारे में, तो सौदा के बारे में आता है कि इन्होंने टोटल 54 कसायद लिखे हैं। इसी तरह साथियों अगर मैं बात करूं जौक के बारे में, तो जौक के बारे में आता है कि इन्होंने 30 कसायद लिखे हैं। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं क्या के नुसरती के बारे में, और फिर इसी तरह आपको साथियों क्या है मुसहफी है, तो सबसे ज्यादा जो कसीदा है वो साथियों मुसहफी ने लिखा है। देखिए सौदा ने तो लिखा, इससे भी ज्यादा कसीदा जो है वो मुसहफी ने लिखा है, इसलिए हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको छोटा करना होगा तब आपको दिखेगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जी 9 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरिजा जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है, जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया कसीदा कहते हैं। हमें सही बयानात को निकालना है 9 का। और उसके बाद आगे कहा जा रहा है, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवसुत से उर्दू तक पहुंचा। और उसके बाद सी में है, जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की जाती है या बुराई बयान की जाती है उसे मदहिया कसीदा कहते हैं। और उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर डी में है कि गुरेज से बात पैदा करने का नाम कसीदा है। और उसके बाद आपका हा में है, कसीदे को सबसे कदीम सिंफ समझा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जी 9 का बताएंगे आप लोग। देखिए साथियों इसमें जो है ना आपको जो सही है उसको चुनना है। तो सबसे पहले यहां देखिए, जिस कसीदे में किसी की तारीफ की जाती है उसे हिजविया नहीं बल्कि उसे मदहिया कसीदा कहा जाता है, तो ए वाला तो आपका गलत है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे चलेंगे, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवसुत से उर्दू तक आई। ये बात बिल्कुल सही है कि कसीदा जो है वो अरबी शायरी से निकली है, लेकिन फारसी के जरिया ये साथियों दक्कन में सबसे पहले आई है, तो हमारा बी वाला जो है राइट है, हम यहाँ पे बी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, तो साथियों बी हमारा राइट है, जिस कसीदे में किसी की मजम्मत की या बुराई बयान की जाती है उसे मदहिया नहीं उसे हिजविया कहते हैं, तो हमारा सी वाला जो है ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद डी में चलेंगे, गुरेज से बात पैदा करने का नाम कसीदा है, ये वाला जो है डी हमारा राइट है। ठीक है, चलिए कसीदे को सबसे कदीम सिंफ समझा जाता, बिल्कुल सही है साथियों, गजल से पहले कसीदे का वजूद हुआ है, तो हमारा जो है हा यानी कि ई ये भी राइट है। तो हमारा कौन कौन सा सही हुआ साथियों? बी यहां पर हम लिखेंगे, बी प्लस में क्या है डी, प्लस में क्या है ई। अब देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन में है, ए वाले में देख रहे हैं तो ए बी सी डी है, बी वाले में देख रहे हैं तो ए बी सी ई है, तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, जबकि सी वाले में जा रहे हैं तो बी डी ई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस सी टेट का भाई साहब 7 बजे क्लास चलता है, 7 बजे क्लास है, उसके लिए जुड़ना होगा तभी क्लास मिलते हैं रेगुलर कंटिन्यू। और सी टेट के बारे में अभी 9 बजे जो है ना यूजीसी नेट का है, अपना सी टेट का अभी कमेंट न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए 10 नंबर में है मुंदरिजा जैल, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, मुंदरिजा जैल कसीदों की तादाद के एतबार से कसीदा निगारों के नाम जोड़िए। इसमें साथियों क्या कह रहा है, किसने कितना कसीदा लिखा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, उसके बाद आप उसका नाम जोड़िएगा। कुली कुतुब शाह 1 नंबर में, अब आपका है वली दकनी, उसके बाद आपका है जौक है, सी में है सौदा है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा यहां पर लिस्ट बनाता हूं, उसको आप देख लीजिए साथियों। अगर मैं बात करूं कुली कुतुब शाह का, तो इन्होंने टोटल 12 कसायद लिखे हैं। अगर मैं बात करूं साथियों वली दकनी का,
तो वली ने जो है टोटल साथियों 6 कसायद लिखे हैं। अगर मैं बात करूं साथियों ज़ौक का, तो ज़ौक ने जो है टोटल 30 कसायद लिखे, अभी मैंने आपको बताया भी था। अगर मैं बात करूं सौदा का, तो सौदा ने साथियों टोटल 54 कसायद लिखे, ये आपको पता है। अब इसका मिलान कैसे कीजिएगा, देखिए ये वाला जो अलिफ है इसको हम ए मान लेंगे, ये वाला जो आपका बा है इसको हम बी मान लेंगे, ये वाला जो जीम है इसको हम सी मान लेंगे, इसको हम डी मान लेंगे। क्या मान लेंगे साथियों, डी मान लेंगे। जो हमारा सही होगा उसके सामने हम यहां पे देखिए ए हो गया, यहां पर हमारा बी हो गया, यहां पर हमारा सी हो गया, यहां पर हमारा डी हो गया, ठीक है। अब जो हमारा सही होगा उसको मिलाएंगे। सबसे पहले चलते हैं कुली कुतुब शाह। तो कुली के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने 12 कसीदा लिखा है, तो कुली वाला 12 वाला ऑप्शन में मिला दीजिए यहां पे 3 में, तो आपका देखिए एक का क्या होगा, 3 होगा, क्लियर। अच्छा उसके बाद चलेंगे वली दकनी। तो वली के बारे में हमने यहां पे पढ़ा है कि वली ने 6 लिखा है, तो वली वाले को मिला देंगे 6 में, तो आपका बी वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो बी का यहां पे 4 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ज़ौक में। तो ज़ौक का हमने यहां पे देखा कि 30 कसायद लिखा है, तो ज़ौक वाले को 30 वाले इसमें मिलान करेंगे, तो सी का क्या हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा, तो सी का यहां पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा बच गया सौदा, तो ऑटोमेटिकली डी जो है साथियों हमारा 1 के साथ जाएगा, तो डी बराबर यहां पे 1 लिख देंगे। अब देखिए साथियों क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को हमने कैसे समझा, क्वेश्चन को हमने समझा कि ए बराबर 3, डी बराबर 1, इतना सा हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इसको अब हम छांट सकते हैं। ए बराबर 3 अलिफ में चलेंगे तो ए बराबर 1 है हमारा, कट जाएगा। बा में चलेंगे तो ए बराबर हमारा 2 है, कट जाएगा। अच्छा उसके बाद यहां दाल में चलेंगे तो ए बराबर हमारा 4 है, कट जाएगा। डायरेक्ट साथियों हमारा ऑप्शन सी निकल गया। इतना सारा खाका अगर आप तैयार नहीं भी करेंगे, 1-2 को भी मिलान कर लीजिएगा तो आप साथियों बिल्कुल इसको आप छांट सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ इतना सा कुली कुतुब शाह वाला भी अगर आपको याद हो जाएगा, तो कुली कुतुब शाह ने टोटल 12 कसायद लिखे हैं। अगर आपको यह भी याद है तो इस बेस पर भी आप सिंगल एक याद के तौर पर भी आप इसको छांट सकते हैं कि अलिफ बराबर 3 इसी में है, बाकी किसी में अलिफ बराबर 3 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई साहब, जिसको क्लास ज्वाइनिंग करना है, कुछ भी करना है, ऑफिशियल नंबर है उस पर आप बात कीजिए, वहां से आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए आपका साथियों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका ये 11वें नंबर क्वेश्चन है। मंदरजा मुंदरिजा जैल में 2 जुमरे सही हैं, निशानदेही कीजिए। 2 जुमरा जो है वो सही है, उसका निशानदेही करना है। तो एक नंबर में आपको बताया गया कुली कुतुब शाह, क्या कुली कुतुब शाह गवासी कायम चांदपुरी नुसरती, बी में है सौदा मीर तकी मीर कायम चांदपुरी मीर गुलाम हुसैन शुरिश, और उसके बाद सी में है कुली कुतुब शाह गवासी नुसरती अली आदिल शाह सानी, और डी में है सौदा कमाल खान रुस्तमी मुल्क खुशनूद और मीर तकी। तो देखिए इसमें आपको पैदाइश याद होने चाहिए, तो पैदाइश साथियों आपको ये पता है कि सबसे पहले जो 11वें नंबर क्वेश्चन को अगर आप हल करते हैं तो इसमें साथियों आप थोड़ा सा गौर कीजिए क्या कह रहा है साथियों, तो आप इसमें देखेंगे कि कुली कुतुब शाह ये जो है सबसे पहले नंबर में आते हैं, कौन कुली कुतुब शाह, चूंकि साथियों 1565 का दौर इनका आता है, 1565 गोलकंडा में, 1662 में ये साथियों क्या हुआ था वहां पर। तो ये देखिए कुली कुतुब शाह ये वाला ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये वाला हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये वाला देखिए सौदा मीर तकी, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सौदा की जो पैदाइश है वो 1712 में हुई थी। उसके बाद साथियों ये याद रखिए कि उनके बाद मीर तकी मीर का नंबर आता है कि 1722 में उनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद कयामुद्दीन कायम चांदपुरी ये भी साथियों 1722 में ही पैदा हुए थे, ये बिजनौर में पैदा हुए थे। इसके बाद साथियों मीर गुलाम हसन शोरिश का नाम आता है, ठीक है ना,
उसके बाद साथियों आगे तो हम देखेंगे कि पहले सौदा, मीर तकी मीर, कायम चंद पूरी, मीर हसन। तो देखिए बी वाला जो है सौदा, मीर तकी मीर, कायम चंद पूरी, मीर गुलाम हुसैन, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है और सी वाला राइट है। तो बी और सी किसमें है तो गौर कीजिए, बी और सी हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए 11 का हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लास के एंड में साथियों जो भी पूछना होगा आप पूछ लेंगे। अभी थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा क्लास के दरमियान ही पूछे, बिल्कुल आप जो कहेंगे, कल आप लोगों ने बोला था मॉक टेस्ट है तो इसलिए मॉक टेस्ट लाया हूं, वरना अगर आप बोलेंगे कि सिलेबस तो सिलेबस ही चलाऊंगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है साथियों यूजीसी रेट का सिलेबस जो आप कह रहे हैं जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरिजा ज़ैल में दो सही जोड़े की निशानदेही कीजिए, यानी दो जोड़ा जो है इसमें सही है उसको आपको चुनना है जे। क्या कौन कौन सा जोड़ा सही है 13 नंबर क्वेश्चन में, 12 नंबर क्वेश्चन में जे? दो जोड़ा सही है तो कौन कौन सा है इसमें? कहा गया कि ज़ौक, सौदा, गालिब, मोमिन, इस्माइल मेरठी, हाली, और उसके बाद आपका नज्म तिबाई, महशर लखनवी, ज़ौक, गालिब, मोमिन, नसीम देहलवी, हाली तिबाबाई और मुसहफी इंशा। इसमें जो है ना जब तक आपको इसका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगा उस वक्त तक ये बन ही नहीं सकता है। साथियों अगर मैं बात करूं तो इस्माइल मेरठी, यहां पर आप थोड़ा सा छोटा में लिख लीजिए, इस्माइल मेरठी 1844 में ये पैदा हुए थे। अगर मैं बात करूं साथियों हाली के बारे में तो हाली जो है वो 1837 में पैदा हुए थे, क्लियर। अगर मैं बात करूं साथियों नज्म तिबा तिबा बाई के बारे में तो नज्म तिबा तिबा बाई जो है ये साथियों 1852 में पैदा हुए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं महशर लखनवी के बारे में तो साथियों इनकी जो पैदाइश है महशर लखनवी की वो है 1886 में, कब है 1886 में। अब आप इसमें गौर कीजिए और इसी में साथियों आप जे क्लियर है ज़ौक के बारे में। अब दो दो इसमें सही है, असल में मसला ये है कि इसके अंदर दो सही है, जो दो सही होगा तो उसको कैसे निकालेंगे आप? तो सबसे पहले आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये वाला जो ऑप्शन सी है ज़ौक की पैदाइश साथियों आपको याद रखना है कि 1790 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद गालिब की पैदाइश है 1797 में है, उसके बाद मोमिन की पैदाइश साथियों 1801 में है, उसके बाद नसीम देहलवी की पैदाइश 1819 में है। तो ये वाला हमारा वाला ऑप्शन वाला सी वाला ये वाला राइट है, और एक पता है आपको कौन राइट है, एक ऑप्शन सी है तो दूसरा हमारा इस्माइल मेरठी वाला ये वाला ऑप्शन बी है। तो हमारा ऑप्शन बी प्लस ऑप्शन सी ये दोनों राइट है। समझ में आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए आप जी, बताइए। थोड़ा टफ अगर लग रहा है तो और इजी वे में चलेंगे, असल में बात ये होती है कि थोड़ा सा मैं नहीं चाहता हूं कि थोड़ा बोरिंग फील हो या आपको ये लगे कि मेरा टाइम वेस्ट जा रहा है। तो साथियों बी और सी ये दोनों हमारा राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये बताइए आप लोगों को क्लियर समझ में बातें आ रही हैं? जी बताइएगा आप लोग जी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी जुमरा वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं जी। तेरह नंबर क्वेश्चन में है, मुंदरिजा ज़ैल बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए, जो गलत है उसको आपको साथियों क्या करना है, छांटना है जी। क्या करना है, उसको आपको छांटना है। तो देखिए सबसे पहले जब गलत को छांटने के लिए जरूरी क्या है कि आपको सही पता होना चाहिए, तो जो सही होगा उसको आप पहले छांट दीजिए, ऑटोमेटिकली गलत निकल जाएगा जी। अब आपको क्या कह रहा है, कलीमुद्दीन अहमद ने गजल और कसीदे नापाक दफ्तर और इफ़नत में क्या है संडास से बदतर करार दिया है। बी में कह रहा है हाली का मानना है कि कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो, तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है।
सी में हिजविया कसीदे का बानी सौदा को कहा जाता है और डी में है सौदा की मौत पर मीर ने कहा था हमारा पहलवान मर गया। जो साथियों गलत बयान है उसको आपको छांटना है। तो देखिए जी 13 नंबर क्वेश्चन है, ये 13 नंबर का बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। ठीक है 13 में साथियों जो गलत है उसको आपको छांटना है। तो आप सबसे पहले जो सही है उसको तो आप रहने दीजिए। तो देखिए यहां पर साथियों ये है जो आपका ये कलीमुद्दीन अहमद ने गजल और कसीदे नापाक दफ्तर और फिनत में संदाज से बदतर करार दिया, ये हमारा गलत है। और उसके बाद देखिए डी वाला जो सौदा, ये जो है ना असल में गलत नहीं होना चाहिए बल्कि सही होना चाहिए। यहाँ पर सही को निशानदेही कीजिए। तो सौदा की मौत पर मीर ने कहा था हमारा पहलवान मर गया, सी 12 नंबर जी, ये जो है ना 13 का जो है आपका ए और डी, कलीमुद्दीन अहमद ने गजल और कसीदे को नापाक दफ्तर और फिरत में संदाज से बदतर करार दिया, ये वाला गलत है। और फिर सौदा की मौत पर मीर ने कहा था हमारा पहलवान मर गया, ये वाला गलत है साथियों। ठीक है ना, ये दोनों जो है गलत है। तो हमारा हो जाएगा पता क्या चला, हमारा ए प्लस डी, ये दोनों गलत है। तो ए डी गलत है, तो अब उसको चलेंगे कि देखेंगे ए डी किस में गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है ए डी हमारा गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या ए राइट हो जाएगा, क्या ए राइट हो जाएगा। चलिए आपका 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में है, मुंदरिजा जेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। जो सही है उसको आपको चुनना है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसको आपको कॉल को याद रखना है। सौदा ने मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल अता की थी, ये बात सही है या नहीं। उसके बाद आगे है मीर तकी मीर सौदा को मलिकुश शोरा मानते थे। सी में है सौदा ने इब्तदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। और डी में है सौदा के अजदाद का पेशा भी नुसरती और गालिब के अजदाद की तरह सिपा गिरी का था। अब इसमें जो सही होगा उसको साथियों आपको निकालना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सौदा ने मर्सिया को मुसद्दस कीजिए। जी 14 का बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। जी जब 14 नंबर क्वेश्चन का जी 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। भाई नेट इतना स्लो है, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं उसके बाद तब फिर देखते हैं। देखिए साथियों इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सही बयान है उसको आपको कलमजद करना है। तो देखिए सौदा ने मर्सिया को मुसद्दस की शक्ल अता की थी, ये वाला जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है, सही है। ठीक है मीर तकी मीर सौदा को मलिकुश शोरा मानते थे, ये वाला भी बी वाला भी जी बिल्कुल सही है। तो ए और बी सही है। उसके बाद
आगे चलते हैं। सौदा ने इब्तदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से सुना ली थी, ये गलत है। उसके बाद सौदा के अजदाद का पेशा भी नुसरती और गालिब के अजदाद की तरह सिपागिरी का था, ये सही है। तो देखिए ए सही है और बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी किस में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए साथियों 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है, मुंदरिजा जैल बयानात को गौर से पढ़िए और गलत की निशानदेही कीजिए। सौदा का इंतकाल बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से हुआ था। सौदा आसिफुद्दौला के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ आए थे। कायम चांद पूरी सौदा के उस्ताद थे। सौदा को कसीदा निगारी में फारसी शोरा अनवरी और उर्फी का हम पल्ला समझा जाता है। जो साथियों गलत है उसको आपको निकालना है, उसकी निशानदेही करनी है। 15 नंबर क्वेश्चन का जी देखिए, अगर आप ये सोच लेंगे कि ये सब क्वेश्चन भारी है इसको छोड़ के भाग जाए, तो ऐसा नहीं है, इसी क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन का पल्ला पड़ेगा साथियों आपको। तो देखिए इसमें साथियों सब सारे ऑप्शन जो हैं वो सही है। सौदा का इंतकाल बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से हुआ था, ये बिल्कुल राइट है, सही बात है। सौदा आसिफुद्दौला के जमाना में फैजाबाद से लखनऊ आए थे, ये भी राइट है। और साथियों आगे चलेंगे, सौदा को कसीदा निगारी में फारसी शोरा अनवरी और उर्फी का हम पल्ला समझा जाता, ये भी सही है। लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है, कायम चांद पूरी सौदा के उस्ताद थे, ये गलत है। और जो गलत है उसी को हमें निकालना है, तो हमारा पता ये चला कि ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो अब चलेंगे हम ऑप्शन में, ऑप्शन में देख रहे हैं कि अलिफ ये साथियों तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सी वाला चाहिए। बा में देख रहे हैं कि सी डी है और जीव में देख रहे हैं बी सी है, तो हम चलेंगे डी में चलेंगे, तो डी में देख रहे हैं हमारा ऑप्शन सी है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है जी, 16 नंबर क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है जी 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पहले मिलान करना होगा इसको। 16 नंबर क्वेश्चन है, जैल में दर्ज सौदा के मुतालिक अकवाल के एतबार से साहिब कौल का नाम शामिल कीजिए, यानी कौन सी बात किसने कही है उस बात को आपको बतलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा गया कि कसीदा का नक्काश अव्वल, बामे कसीदा तो खत्म मिर्जा सौदा पर हुआ, और सी में है साहिब यदे बैजा मुसहफी, और सर आमद शोराए हिंदी किसने कहा, और यहां पर हा में है अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जेरे बहस लाना फुजूल होता, ये सब बातें किसने कही है। तो देखिए इसी तरह अभी जो पहले मैंने क्वेश्चन हल कराया था उसी तरह पहले हम लोग यहां पर ए बना लेंगे, फिर हम लोग बी बना लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग सी बना लेंगे, फिर हम लोग डी बना लेंगे, फिर हम लोग एक और बना लेंगे ई बना लेंगे, जो हमारा सही होगा उसको हम। तो पता है सौदा को साथियों नक्काशे अव्वल किसने कहा था, याद रखिएगा सौदा को कसीदा का नक्काशे अव्वल जो है वो मुसहफी ने कहा था। तो ए का क्या हो जाएगा, तीन सही हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए का तीन। ठीक है, कसीदा तो खत्म मिर्जा सौदा पर हुआ, ये बात कहा था, कही थी साथियों मिर्जा अली लुत्फ ने। तो बी का क्या होगा, चार सही होगा, तो हम बी का यहाँ पे चार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा साहबे यदे बैजा किसने कहा था, तो पता है आपको साहबे यदे बैजा जो है ये बात कही थी मीर हसन ने, तो ये यहां पर डायरेक्ट यहां पर आता है साथियों। तो जीम का क्या हो जाएगा, पांच, तो जीम बराबर हो गया सी, यहां पर हम लोग लिखेंगे पांच। ठीक है, उसके बाद सर आमद शोराए हिंदी जो दाल में है, सर आमद शोराए हिंदी जो है ये मीर तकी मीर ने कहा था, किसने कहा था साथियों, मीर तकी मीर ने कहा था। तो हमारा जी दाल का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो दाल का जब हमारा एक हो गया तो अब हमारा बच गया क्या साथियों, तो हमारा बच गया क्या, अगर सौदा ना होते तो उर्दू कसीदे को जे बहस लाना फजूल होता, ये बात जो है हा वाली इमदाद इमाम असर ने कही थी। तो हमारा जी ई का क्या बच गया साथियों, दो बच गया। ठीक है, अब हम इसी मिलान पर ए का तीन और बी का चार,
सी का 5, डी का 1 और ई का 2। तो ए का 3 वाला देखेंगे। यहां पर अब हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन यहां है जे, यहां पर ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन चुनना है। तो यहां पे देखिए ए का हमें चाहिए 3, तो ए का 5 है, ये कट जाएगा, नहीं होगा। ए का यहां पे देख रहे हैं 1 है, ये कट जाएगा, नहीं होगा। ए का यहां पर 2 है, ये कट जाएगा, नहीं होगा। तो डायरेक्ट साथियों हमारा डी ए का 3 है। और फिर यहां पे देखिए ई बराबर आपका 2 आया था, तो जिसको ई बराबर क्या है, हा है, तो यहां पर 2 आ गया है, हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब तक आपको हल करने का तरीका पता नहीं होगा उस वक्त तक आप सही से हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है जे, ठीक है। चलिए कुछ ऑप्शंस पता हो उसके जरिया भी आप हल कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मंदरजा जैल में 2 सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 2 जुमरा जो है वो आपका सही सही दिया गया है, उसको आपको निशानदेही करना है। देखिए अब क्या है, 1 नंबर में हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा ए मुसलमानी। ये पता है ना आपको कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का ये कसीदा है और उसी का ये शेर है ये, और ये कसीदा जो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहा था, ठीक है ना। तो इसका जो पहला मिसरा है, हमें कहा गया कि 2 सही जुमरे हैं उसको निकालना हमें जी, क्या कहा गया, 2 सही जुमरे हैं उसे हमें निकालना। चलिए बताइए क्या होगा जी। देखिए 2 सही जुमरे है जो ना, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, है मेरी आंखों में अश्कर के तमाशाए गौहर, ये उसी का है, लेकिन ये शेर जो है डायरेक्ट नहीं है, ये शेर उसी का है, तो हमारा ए वाला जो है इसका राइट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे साथियों, तो आगे हम देखते हैं क्या, जहे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर, ये इसका नहीं है। पता है साथियों 17 में जो है ना, ये वाला जो बी वाला जो ऑप्शन है, जहे निशात अगर कीजिए, जौक का अगर आप पढ़ेंगे कसीदा, तो उनका है ये मिसरा, तो हमें तो साथियों ये वाला सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, सी में तजही के रोजगार सावन में दिया फिरमा शोला दिखाई, ये वाला भी सी भी सही नहीं है। और डी में चलेंगे, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी, तजही के रोजगार से है, तो बिल्कुल ये वाला भी सही है। तो साथियों हमारा ए प्लस डी दोनों सही है, तो ए प्लस डी देखिए किसमें किसमें है, ए प्लस डी किसमें किसमें है जी, ए प्लस डी जो है ना वो किसी में नहीं है, लेकिन ए प्लस डी ही सही है, तो ठीक है ए प्लस डी सही है, ए प्लस डी नहीं है इसमें किसी में, और ए प्लस सी है जी, ठीक है ए प्लस डी सही है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, सौदा ने अपने दाखिले निसाब कसीदे, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी में, किस फारसी कसीदा गो को कसीदे से इस्तिफादा किया। चलिए रूमी से, उर्फी से, अनवरी से और खाकानी से, चलिए क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। सौदा ने अपने दाखिले निसाब कसीदा में किस फारसी गो कसीदा से इस्तिफादा किया था, तो साथियों याद रखिएगा जे आपका जो है ना खाकानी, क्या खाकानी, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, मुंदरिजा जैल में दाखिले निसाब कसीदा, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी से मुतालिक कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो सही बयानात की निशानदेही क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, सौदा ने मजकूरा कसीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा,
जी उसके बाद है मजकूरा कसीदा सौदा का मशहूर नातिया कसीदा है। सौदा ने मजकूरा कसीदा को तमसीली अंदाज में लिखा है। मजकूरा कसीदे में 48 अशार है। देखिए इसमें गौर कीजिए साथियों, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, आपको मैंने बताया कि ये कसीदा जो है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने साथियों किनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। क्या होगा? हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, सौदा ने मजकूरा कसीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में लिखा था, ये सही है। बी में है मजकूरा कसीदा सौदा का मशहूर नातिया कसीदा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में साथियों जब कुछ लिखा जाता है तो उसे नात कहते हैं, तो ये नातिया कसीदा है। बी वाला भी हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक है, सौदा ने मजकूरा कसीदा को तमसीली अंदाज में लिखा यानी बहुत डिटेल में लिखा है, ये वाला सी वाला भी हमारा सही है। सी वाला भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही है साथियों। अब उसके बाद आगे चलते हैं, डी में चलते हैं, तो डी वाला जो हम ऑप्शन देखते हैं साथियों, जी डी में चलते हैं, मजकूरा कसीदे में 48 अशार हैं, डी वाला भी हमारा राइट है साथियों। ठीक है जी, ये सभी के सभी जो हैं वो सही हैं। तो 19 का जो हमारा ए बी सी और डी, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट हो जाएगा। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है जी, जी क्या हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, ज़ैल में सौदा के दो मतलब सही हैं, उसकी निशानदेही कीजिए। दो मतलब जो है वो सही है, उसकी निशानदेही करना है। ऑप्शन नंबर ए में है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा ए मुसलमानी, न टूटी शेख से जिनार तस्बीह सुलेमानी। और उसके बाद आपका है बी में है, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा ए मुसलमानी, हुई है फैज तन्हाई से उम्र खिजर तूलानाई। और उसके बाद आपका है अजब नादा है जिनको है अजब ताजे सुल्तानी, फलक बाले हुमा कोपल में सौंपे है मगस रानी। और उसके बाद है अजब नादा है जिनको अजब ताजे सुल्तानी, के है जमीयत खातिर मुझे उनकी परेशानी। जी ये जो है ना मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का जो कसीदा है उसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे पूरे को, तब तक साथियों उसमें यहां आप सही नहीं कर पाएंगे। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, दो मतले सही है उसको आपको निकालना है। तो देखिए, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगा मुसलमानी, न टूटी शेख से जिनार तस्बीह सुलेमानी, ए वाला आपका राइट है। ठीक है, उसके बाद आप साथियों चलेंगे यहां सी वाला में, अजब नादा है जिनको है अजब ताजे सुल्तानी, इसी का दूसरा जो मतला है ना मतला ए सानी, इसी कसीदा का उसी का ये शेर है, तो ए वाला सही है और सी वाला सही है। तो देखिए ए और सी किसमें सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में आपका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, ज़ैल में ज़ौक के दाखिले निसाब कसीदे, ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। ये साथियों इब्राहिम ज़ौक का जो कसीदा है उसी का है ये मिसरा, के बारे में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़ें और सही बयानात को कलमजद करें। चलिए अब इसमें क्या क्या दिया गया, ये 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। अब इसके मुतालिक जो दिया गया है उसको आप पढ़िए और फिर बतलाइए। मजकूरा कसीदा ज़ौक ने अकबर शाह सानी की मदह में लिखा था, एक बात तो ये कही जा रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है मजकूरा कसीदा ज़ौक ने बहादुर शाह जफर की मदह में लिखा था। तीसरी बात यानी सी में कहा जा रहा है कि जी मजकूरा कसीदा ज़ौक ने बीमारी से सेहत याब होने पर लिखा था। और डी में कहा जा रहा है मजकूरा कसीदे में ज़ौक ने तीन मतले लिखे हैं। जी जी ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर के मुतालिक ये बयानात हैं, और इसमें से जो सही होगा उसको आपको बताना है। चलिए क्या होगा, जी देखिए साथियों मजकूरा कसीदा ज़ौक ने अकबर शाह सानी की मदह में लिखा था, नहीं।
बल्कि इब्राहिम ज़ौक जो थे वो बहादुर शाह जफर के दरबारी शायर थे, इसलिए मज़कूरा कसीदा ज़ौक ने बहादुर शाह जफर की मदह में लिखा था। बी वाला हमारा राइट है, क्लियर। चलिए बी वाले पे निशानदेही करेंगे। मज़कूरा कसीदा ज़ौक ने बीमारी से सेहत याब होने पर लिखा था, बिल्कुल ये सही हुए थे तब इसको लिखा था। सी वाला भी हमारा ऑप्शन राइट है। उसके बाद डी में चलेंगे। मज़कूरा कसीदे में ज़ौक ने तीन मतले लिखे हैं, बिल्कुल इसके अंदर तीन मतला है साथियों। तो बी सी डी ये दोनों, ये जो हमारा राइट है, कौन कौन सा राइट है? बी प्लस सी प्लस डी। अब देखेंगे बी सी डी किसमें है, तो हम देखते हैं कि बी सी डी जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे है साथियों, मसनवी किस जुबान का लफ्ज है और इसके क्या माना है? अरबी का है चार चार माने के हैं, फारसी का है दो दो के माने हैं, अरबी का है दो दो के माना है, संस्कृत का है तीन तीन के माना है। तो देखिए मसनवी जो है मुसन्ना से निकला है, इसके माने होते हैं साथियों दो दो के, और ये अरबी जबान का लफ्ज है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में है, ज़ैल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए, दुरुस्त बयानात को कलमजद करें। जी कुछ बयानात दिए गए हैं, उसको आप जी इसको आपको गौर से पढ़ना है और फिर जो सही है उसको आपको कलमजद करना है। ऑप्शन नंबर ए में मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है। बी में है आल अहमद सुरूर ने मसनवी को सब से कारामद सिंफे सुखन करार दिया है। सी में है मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग होता है। और डी में है मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है। जी चलिए क्या होगा राइट आंसर? देखिए साथियों मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है, बिल्कुल दास्तान के करीब मसनवी है ना, तो दास्तान में भी साथियों डिटेल में यानी बयान होता है, तो इसलिए इसको भी बयानिया शायरी का मेराज कहा जाता है। ए वाला आपका राइट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, तो देखिए मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग होता, नहीं ये गलत है। जी बी वाला में चलेंगे। आल अहमद सुरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सिंफे सुखन करार दिया, नहीं ये तो हाल ही ने कहा था, बी वाला गलत है। और सी वाले में चलेंगे, तो मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग होता है, सी वाला हमारा राइट है, सी वाला हमारा राइट है। उसके बाद डी में चलेंगे, तो मंजू मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है, डी वाला भी साथियों हमारा राइट है। तो देखिए हमारा राइट कौन कौन सा निकला? ए निकला राइट, और कौन सा? सी निकला राइट, और कौन सा निकला? डी राइट निकला। तो ए सी डी जो ऑप्शन में है वो हमारा सही होगा। तो सी वाले ऑप्शन में देख रहे हैं ए सी डी हमारा राइट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 23 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन 24 में है, ये सब जुमरे वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप हल करने लग जाएंगे तो साथियों बहुत आसान हो जाएगा। ज़ैल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयान को कलमजद कीजिए, जो गलत है उसको आपको निकालना है। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर होती है। बी में जिसमें जंग का बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। सी में जिसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे रिज़मिया मसनवी कहते हैं। डी में मसनवी में मा फौकुल फितरत अनासिर का बयान होता है। तो देखिए जो सबसे पहले सही है उसको, आपको एक बात ये पता है कि मसनवी जो है दास्तान से करीब है और दास्तान में भी मा फौकुल फितरत अनासिर होता है, तो इसलिए मसनवी में भी होगा। तो हमारा जो डी वाला है ये तो राइट है साथियों, तो इसको राइट में टिक लगाएंगे। अच्छा उसके बाद आगे हम देखेंगे कुछ और चीजों को। तो हमारा क्या मिला कि डी वाला इसका ऑप्शन सही है, लेकिन जो गलत है हमें उसको छांटना है, जो गलत है उसको साथियों हमें छांटना है, ठीक है, जो गलत है उसको हमें छांटना है।
तो अब देखिए आपको गलत सही तो पता चल गया कि मसनवी में मा फौकुल फितर अनासिर का बयान होता है, ये तो आपका सही लग रहा, लेकिन गलत। मसनवी में अशार की तादाद मुकर्रर होती है, नहीं होती है साथियों, ये वाला ऑप्शन गलत है, ए वाला गलत है। जिसमें जंग का बयान हो उसे बज़मिया मसनवी नहीं कहा जाता बल्कि उसमें रज़मिया मसनवी कहा जाता है, क्लियर। तो साथियों बी वाला भी आपका गलत है, जिसमें इश्क मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे रज़मिया मसनवी नहीं बल्कि उसे तो इश्किया मसनवी कहते हैं, तो सी वाला भी गलत है। हमें क्या मिला साथियों इससे कि हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो ए बी सी जिस वाले ऑप्शन में होगा वही हमारा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में जो है ए बी सी हमें मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन पूरा नहीं दिखेगा इसलिए कि साथियों स्क्रीन जो है वो छोटा है और क्वेश्चन जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा है। मंदरजा जैल में पहला मसनवी निगार कौन है और किस मसनवी को अव्वलियत का शर्फ हासिल है? सबसे पहले पहला मसनवी निगार और कौन सी मसनवी पहली है? वजी कुतुबे मुश्तरी, अफजल पानीपति बकट कहानी, फखरुद्दीन नजामी बेदरी, कुदमराव पुदमराव, इब्ने निशाती फूलबन। तो हम सभी को पता है कि उर्दू की सबसे पहली मसनवी कुदमराव पुदमराव है, तो फखरुद्दीन नजामी भी पहले मसनवी निगार हो जाएंगे, इसलिए 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा आपको साथियों क्या चाहिए, टाइम चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मसनवियात के एतबार से मुसन्निफीन के नाम जोड़िए। कौन सी मसनवी किसने लिखी है? अब पता है जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, सपोज दैट मान लीजिए कि आपको एक दो का याद है बाकी का याद नहीं है, तो पहले तो देखिए यहाँ पे कुदमराव पुदमराव किसने लिखा, कुतुबे मुश्तरी किसने लिखा, फूलबन किसने लिखा, बकट कहानी किसने लिखा, सहरुल बयान किसने, गुलजार नज़्म किसने लिखा। तो पहले हम इसी तरह करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी, यहाँ पे हम लिखेंगे डी, यहाँ पे हम लिखेंगे ई। ठीक है, यहां तक है साथियों। अब मिलान कीजिए, तो हमें पता है ये कि कुदमराव पुदमराव इसको जो है इन्होंने मसनवी कौन सी लिखी है साथियों, तो नजामी बेदरी ने इस मसनवी को लिखा, तो एक का क्या हो जाएगा आपका, तीन हो जाएगा, क्लियर। अच्छा आपको ये पता है कुतुबे मुश्तरी किसने लिखी, तो आपको पता है कि मुल्ला वजी ने लिखी है, तो हम लिख देंगे कि दो का क्या साथियों, बी का क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, तो बी का यहाँ पे चार ऑप्शन दे देंगे। अच्छा उसके बाद मान लीजिए हमको ये बकट कहानी फूलबन पता नहीं है, तो हम आगे चलेंगे सहरुल बयान। तो सहरुल बयान के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा कि बहरे मुतकारिब में इस मसनवी को मीर हसन ने लिखा है, तो हमें ये पता चल रहा है कि सी जीम का जो है क्या होगा, मीर हसन दो, तो हम चलेंगे साथियों जीम। देखिए अलिब बा जीम दाल ये हा है, तो अलिब बा जीम दाल यहाँ पे हा यहाँ होगा, तो हमें क्या पता चला ई जो है जो हा है उसका क्या होगा, दो होगा, बीच वाला हम दो खाली छोड़ देते हैं। अच्छा गुलजारे नसीम के बारे में आपने पढ़ा, एफ भी लिखना होगा यहाँ पे कि दिया शंकर नसीम ने लिखा है, तो चलिए गुलजारे नसीम दिया शंकर नसीम, तो एफ का क्या हो जाएगा साथियों आपका, एफ का क्या होगा ये देखिए, एक दो तीन यहाँ पे होना चाहिए, चार यहाँ पे होना चाहिए, पांच यहाँ पे होना चाहिए, छह। ठीक है, तो गुलजारे नसीम का क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, क्लियर। अब आपको यह पता है कि बकट कहानी को अफजल पानीपति ने लिखा है, तो साथियों दाल का आपका क्या होगा, पांच, तो दाल का यहां पे लिख दीजिए पांच। अब आपका बच गया फूलबन, तो फूलबन हो जाएगा इब्ने निशाती, तो फूलबन किसने लिखा, इब्ने निशाती। ये आपका साथियों बना पूरे इसका क्या बना, एक का तीन होना चाहिए और एफ का क्या होना चाहिए, छह होना चाहिए। ये आपने इसको हल किया, सॉल्यूशन निकाला, लेकिन अब इसको हम चलेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा कि एक का तीन होना चाहिए और लास्ट वाले का छह होना चाहिए, बाकी बीच वाला इसी से मिल जाएगा। हम चलते हैं ये जोड़ा में, चलते हैं यहां पे जोड़ा आपका है, जैल में सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि ए का तीन होना चाहिए, बाकी डिटेल लास्ट का छोड़ दीजिए, एफ का आपका क्या होना चाहिए, तो अभी हमने पढ़ा है कि एफ का छह होना चाहिए। अब देखिए कितना आसान से इजी से आप निकाल दीजिएगा, बहुत इजी से निकाल दीजिएगा। ए का यहां पे दे रहा है दो, हमारा गलत है, ए का हमें तीन चाहिए, ए का दे रहा है यहां पे तीन, इसको रहने देंगे, यहां के ए का दे रहा है पांच, इसको काट देंगे,
यहाँ पे दे रहा एक आइए, लेकिन हम आगे भी देखेंगे। आगे साथियों हमसे ये कहा गया कि एफ का जो है एफ बराबर छ होना चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा लगता है कितना दिया गया है, एक दो तीन चार पांच छह, खा खा का दिया है चार, खा का है चार। तो देखते हैं एक मिनट, जीम हा खा, खा का चार, अच्छा ये वाला ठीक है, खा का चार है, खा का चार सब में आ गया, खा का चार सब में आ गया। थोड़ा सा एक मिनट और मिलाता हूं मैं। उसके बाद साथियों हम चलते हैं बी का चार होना चाहिए, तो बी का चार, बी का दो, अच्छा बी का यहां पर चार है, ठीक है बी का यहां पर चार है, यहां पर बी का दो है, ठीक है। दाल वाला कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही, दाल वाला कट जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि एक का तीन बी का चार। यहां पे देखिए एक का तीन मिलाइए, देखिए यहां पर एक का तीन यहां है और आप चलेंगे बी, तो बी बराबर चार आपका यहां आएगा वजी में, ठीक है। तो ये हमारा मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में, हमारा ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन साथियों आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है, टाइम दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर, जी बी सही है, क्वेश्चन नंबर 27 में मसनवियात के एतबार से तसनीफ शामिल कीजिए, यानी कि कौन सी मसनवी कब लिखी गई है उसका जो आपको डेट याद है उसके एतबार से। खुतुबे मुश्तरी, अब वही है, ये वाला भी ऑप्शन वाला ही है जी, फूलबन, सहरुल बयान, गुलजार नसीम। एक बात याद रखिएगा, जब नेट का आप क्लास का बुक खरीदेंगे तो उसमें सबसे पहले साथियों कौन सी मसनवी आती है पता है आपको, कुदमराव, कुदमराव, तो वो तो नहीं है इसमें, उसके बाद आपको देखना है। चलिए याद रखिए साथियों, कुतुबे मुश्तरी जो है हम यहां पर फिर वही करेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, चार ही है ना। अब देखिए हम आपको बताते हैं, कुतुबे मुश्तरी जो है साथियों ये आपका 1609 ईस्वी में, क्या ईस्वी में, अच्छा इसी तरह फूलबन जो है ये आपका साथियों 1665 ईस्वी में, ठीक है, अच्छा उसी तरह सहरुल बयान जो है ये 1784 में साथियों, कब 1784 में, गुलजारे नसीम जो है ये 1839 में, ठीक है। अब इससे खोज लीजिएगा, तो देखिए कुतुबे मुश्तरी 1609, तो 1609 कहां, यहां पर है ना, 1018 हिजरी बराबर 1609, तो साथियों ए का क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो ए का दो यहां पे लिख देंगे, अच्छा। उसके बाद चलेंगे फूलबन, तो 1665, तो 1665 देखते हैं कहां पर है, 1665 जी, तो यहां पे देख रहे हैं 1655, ये 55 ही है, 65 नहीं बल्कि 55 है जी। तो दो का आपका क्या हो जाएगा, ये वाला चार, दो का क्या हो जाएगा चार। उसके बाद सहरुल बयान के बारे में 1784, तो 1784 यहां है, तो साथियों आपका जीम का क्या हो जाएगा एक, तो यहां पर सी का लिखेंगे एक। अब उसके बाद आपका गुलजारे नसीब 1839, तो 1839 कहां, यहां पर तीन है, तो दाल का क्या हो जाएगा तीन, तो यहां पर दाल का लिखेंगे तीन। हमारा ये एक जोड़ी बन गया, क्या बना, एक का दो और दाल का तीन, एक का दो और दाल का तीन, ठीक है। इसी एतबार से हम छांटेंगे, तो एक का हमें क्या चाहिए, एक का दो चाहिए, दाल का तीन चाहिए। तो देखते हैं इसमें, देखिए एक का दो इसमें भी है, एक का चार है, ये वाला गलत है, एक का दो इसमें भी है, एक का दो इसमें भी है। अब हमें एक चीज और चाहिए, लास्ट में दाल का तीन भी चाहिए, तो देखते हैं दाल का तीन किसमें नहीं है, तो दाल का तीन इसमें नहीं है, तो सी वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है। दाल का तीन अलिफ में भी है, दाल का तीन साथियों दाल में भी है, तो हम एक और आगे बढ़ेंगे कि स्टेप में कि बी का चार भी चाहिए, तो देखते हैं बी का चार किस में है, तो देखते हैं यहां पर बी का एक है, हमारा ए वाला कट जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा बच जाएगा साथियों कौन, ऑप्शन नंबर डी, क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या बचेगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ये क्वेश्चन, आप पता है जब आपको पेपर मिलेगा या आप अभी तो मोबाइल से देख रहे हैं, जब पेपर पे हल करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत आसान से साथियों हल हो जाता है, लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए
28 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। मंदरजा जैल मसनवी निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन तरतीब सही है, यानी पहले कौन आएंगे और कौन से आएंगे। जी फखरुद्दीन नजामी, मुल्ला वजी इब्ने निशाती, अफजल पानीपति, मीर हसन दियाशंकर नसीम। फखरुद्दीन नजामी, मुल्ला वजी इब्ने निशाती, मीर हसन, अफजल पानीपति, दियाशंकर नसीम। फखरुद्दीन नजामी, मुल्ला वजी, अफजल पानीपति, इब्ने निशाती, मीर हसन, दियाशंकर नसीम। मुल्ला वजी, इब्ने निशाती, अफजल पानीपति, फखरुद्दीन नजामी, मीर हसन, दियाशंकर नसीम। चलिए हाँ, कौन सी मसनवी पहले लिखी गई ये तो हमें बिल्कुल याद होना ही चाहिए, अगर ये याद नहीं होगा तो जिंदगी में नहीं बनेगा ये सब तो। जे चलिए अब देखिए, एक बात ये याद रखिए, मैं इसमें जो लिखा हूं ऊपर से वो सबको मैं मिटा देता हूं। आपको पता है कि फखरुद्दीन नजामी बेदरी जो है इन्होंने सबसे पहली मसनवी लिखी है, तो हमें पूछा जा रहा है कि मसनवी निगारों की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल, यानी पहले जो है वो पहले होना चाहिए। तो फखरुद्दीन नजामी इसमें है, डी वाला में मुल्ला वजी आ गया, डी वाला कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज ये याद रखिए कि फखरुद्दीन नजामी को 1421 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1566 में मुल्ला वजी की पैदाइश हुई थी, ठीक है। तो मुल्ला वजी इसमें भी है, मुल्ला वजी इसमें भी है, मुल्ला वजी इसमें भी है। उसके बाद साथियों आता है बारी इब्ने निशाती का, किनका बारी आता है, इब्ने निशाती का, तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अफजल पानीपति आ गया तो सी वाला यहीं पर कट जाता है। उसके बाद साथियों बारी आती है इब्ने निशाती के बाद अफजल पानीपति का, तो यहाँ पर अफजल पानीपति है लेकिन यहाँ पर मीर हसन आ गया तो बी वाला भी कट गया, तो बच गया ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई 28 का जी, बताएंगे आप लोग नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन सी सही है साथियों, ऑप्शन सी है, लेकिन नहीं नहीं ऑप्शन सी अफजल पानीपति नहीं, 28 का जो है साथियों ऑप्शन सी होगा, फखरुद्दीन नजामी, मुल्ला वजी, अफजल पानीपति, इब्ने निशाती, मीर हसन, दियाशंकर नसीम, ऑप्शन नंबर सी है साथियों, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद मैं छुट्टी कर दूंगा आप लोगों की। दर्जे ज़ैल में मसनवियों को उनके सन्ने तसनीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है, यानी के पहले कौन सी मसनवी लिखी गई। तो आपको पता है कि सबसे पहले साथियों कौन सी मसनवी है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कुदमराव लिखी गई, तो यहाँ पे खुतबे मुश्तरी है, हमारा ऑप्शन ए कट जाएगा यहीं पर। एक चीज और पता होनी चाहिए कि ये जितना भी दिया गया है गुलजार नसीम जो वो 1839 में लिखी गई है, तो साथियों हमें यह पता होना चाहिए कि इन मसनवियों में गुलजारे नसीम सबसे लास्ट में लिखी गई है, तो ठीक है। अब यहां पे चलते हैं डी वाला में, कुदमराव है, सहरुल बयान लास्ट में है, तो डी वाला भी हमारा कट जाएगा, हमारा बी और सी बचेगा, इसी में से हम निकाल सकते हैं। चलिए 39 का साथियों आप लोग बता दें, तो देखिए साथियों अगर बात करूं कुदमराव कुतुबे मुश्तरी, बकट कहानी, फूलबन, सहरुल बयान, गुलजारे नसीम, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। क्या है, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। अब अगर साथियों आप ये पूछते हैं कि इसको कब लिखा गया, तो याद रखिए कुदमराव साथियों 1421 से लेकर इसको 1435 के दरमियान लिखा गया था। उसके बाद कुतुबे मुश्तरी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो साथियों याद रखिए 1609 में लिखा गया था, ठीक है। बकट कहानी के बारे में अगर आप बात करते हैं तो 1625 में, देख रहे हैं बढ़ते क्रम में है। अगर आप फूलबन के बारे में बात करते हैं तो फूलबन 1655 में साथियों, कब, 1655 में। असहरुल बयान के बारे में बात करते हैं तो 1784 में, देख रहे हैं बढ़ते क्रम में। गुलजारे नसीम तो 1839 है ही है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में है आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन में कराऊंगा, हालांकि क्वेश्चन तो और भी हैं लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग साथियों थक रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है जे, किस मसनवी में अमर वेद और धनोहर वेद का जिक्र आया है। गुलशन इश्क, फूलबन,
कुदमराव पुदमराव सहरुल बयान। तो कुदमराव पुदमराव में साथियों अमर बेद और धनुर बेद ये दो जादू है, इसका नाम आया है, इसलिए साथियों हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो कैसा रहा आज का ये सेशन सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं था। साथियों अगर हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। और साथियों सी टेट का जो क्लास है वो 7 बजे शाम में पीएम में होता है, आप 9 बजे हरगिज न जुड़ेंगे जी। चलिए सभी लोग बताइए कैसा रहा आज का ये क्लास जी, आपको कुछ कमेंट करना हो तो पूछ सकते हैं। सी टेट का बैच कब चलेगा, 7 बजे से है, कल से है जी। और किसी को कुछ पूछना हो जी, किसी को और कुछ पूछना हो आमीन आमीन मिस वाही साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन होता है क्या है ना, हम लोग एबीसीडी कर लेते हैं, ये जुमरे वाला जो क्वेश्चन है स्क्रीन छोटा पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग में बहुत लोड पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने के साथ भागते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तो जब तक ये सब क्वेश्चन को हम सही से नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए अभी जो पीडीएफ आपको दूंगा एक बार उसको आप फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। एग्जाम में गलत ऑप्शन अब तो आमतौर पे आता नहीं है, अगर आ जाएगा तो वो नील हो जाता है, उसका मान्यता नहीं होता। आप बहुत जी ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।